गाइज अब देख सकते हैं कितना प्यारा है पीछे व्यू, और यहाँ के बिल्कुल ऐसा फील आ रहा है कि यू नो my bop and I like me too no roof on my top and my babe see Hello guys, welcome to my channel Desi Girl in US. So guys, आज हम आए हैं, एक्चुअली मैं आई हूँ अपनी मौसी जी के घर, जो कि रहती हैं बहुत ही प्यारी अपार्टमेंट सोसाइटी में गुड़गांव में, जिसका नाम है पूरी एमरल्ड बे. तो आज मैं आपको सोसाइटी का टूर कराती हूँ, दिखाती हूँ कि यहाँ पर यू नो गुड़गांव में कैसे होते हैं अपार्टमेंट्स. इट्स रियली कॉस्टली, मैं आपके उसको कॉस्ट भी आपको बताऊँगी बाद में, और पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि ऑल ओवर इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, कैसा है अंदर से फ्लैट, क्लब कैसा है, यहाँ एरिया कैसा है, स्विमिंग पूल कैसा है, वो सारा मैं आपको ओवरव्यू दूंगी. तो चलते हैं और देखते हैं. तो गाइज ये है बच्चों का पार्क, बाहर आप देख सकते हैं कितना प्यारा बनाया हुआ है, नीचे पूरा मैट है जैसे US में है. अपार्टमेंट टूर कराऊंगी, फिर इनसे पूछेंगे कि आपने कितने में लिया, ठीक है वहाँ से जी पूरा डिटेल देना आप. ओके, आज की बात. बहुत ज्यादा ग्रीनरी यहाँ पर दी हुई है, आप देख सकते हैं बहुत ही ग्रीनरी है, बहुत ही अच्छा लग रहा है गुड़गांव में इतनी ग्रीनरी देखकर. और ये काफी बड़ी सोसाइटी है और काफी ऊंची है, काफी फ्लोर्स बने हुए हैं इसमें. Fine, never split a bill with you. I got Hennessy and horchata. Baby girl wearing nada. आप देख सकते हैं ये यहाँ का स्विमिंग पूल एरिया है, और चारों तरफ से ट्रीज लगे हुए हैं और पानी बिल्कुल क्लीन है. एक यू नो एडल्ट्स का स्विमिंग पूल है, और अभी आप मैं आपको ये दिखा रही हूँ जो सामने ये किड्स का स्विमिंग पूल है. और रियली गाइस बहुत ही क्लीन एंड बहुत ही अच्छा है. अभी एक्चुअली इस टाइम ठंड चल रही थी, वरना मेरा मन कर रहा था इसमें कूद के जस्ट नहा लूँ. अब हम चलते हैं क्लब की तरफ. यू नो पूरा ग्लास में बना हुआ है क्लब, बहुत ही प्यारा लग रहा है. आगे से इसका फ्रंट बहुत ही सुंदर है. गाइस ये इसका रिसेप्शन एरिया है, यानी सिटिंग एरिया. आप यहाँ पे आके रिलैक्स कर सकते हैं, बैठ सकते हैं. और ये क्लब काफी बड़ा है, कई फ्लोर्स में बना हुआ है. जो फर्स्ट फ्लोर पे यू नो ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ पे बार एरिया भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे. साथ में पूल टेबल्स भी लगी हुई है, यू नो आप ड्रिंक करते हुए आराम से पूल खेल सकते हैं. बैंक्वेट हॉल है यहाँ पे, यू नो अपनी पार्टी वगैरह आप कोई भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं बहुत मिनिमल रेट में. और आई थिंक इट्स फ्री, इनका पूरा क्लब ये इसमें इंक्लूडेड है रेट में, और सब कुछ फ्री है. ये म्यूजिक रूम है, यहाँ पे आपकी गिटार हैं, ड्रम्स हैं, बच्चे यहाँ पे म्यूजिक क्लासेस आराम से सीख सकते हैं. और इनका यहाँ पे टेबल टेनिस भी है, फुटबॉल भी है, काफ़ी चीज़ें हैं यू नो बच्चों के लिए, किड्स के लिए. दे डोंट हैव टू थिंक अबाउट लाइक यू नो कि कहाँ जाएँ क्या करें. तो क्लब में काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं, यहाँ से बहुत प्यारा व्यू भी आता है. और ये छोटे बच्चों के लिए भी यहाँ पे बहुत प्यारा सा प्ले एरिया बनाया हुआ है, बहुत ही कलरफुल यू नो चीज़ें हैं, बच्चे बहुत ही अट्रैक्ट होते हैं इनकी तरफ. और आपको डे केयर की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप बच्चे को लेके आ सकते हैं और उनका प्ले सेशन कर सकते हैं. और इट्स टोटली फ्री गाइज, आपको कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे बच्चे अपने आराम से फन कर सकते हैं. गाइस अब हम देखते हैं यहाँ का जिम कैसा है. और यू कांट बिलीव इट गाइस, जिम बहुत ही बड़ा है, बहुत ही अच्छा. की लोकेशन एंड यू नो ऐसी कौन सी मशीन है जो यहाँ पे नहीं है, सारी हाई एंड मशीन्स हैं यहाँ पर, सारी वेट्स हैं. और लोकेशन भी बहुत ही प्यारी है, यहाँ से बहुत प्यारा व्यू आता है. आप यू नो आराम से एक्सरसाइज करते हुए अच्छे से अच्छा व्यू का मज़ा उठा सकते हैं. और मशीनें भी एक एक नहीं, कई कई हैं, यू नो अगर ज़्यादा लोग हैं तो उसमें भी दिक्कत नहीं है. तो जिम मुझे काफ़ी पसंद आया है यहाँ का. All I do is close my eyes.
और ये आउटसाइड एरिया है, आप देख सकते हैं बहुत ही खुली बालकनी बनी हुई है, यहाँ से आप पूरा व्यू ले सकते हैं और पूरा यहाँ से बिल्डिंग दिखाई देती है। और सामने आप जो देख रहे हैं बास्केटबॉल कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट, टेनिस कोर्ट बने हुए हैं। एंड अब ये है योगा रूम, यहाँ पे आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं एंड एरोबिक्स वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। डांस क्लासेस के लिए भी ये आप यूज़ कर सकते हैं, पूरा मिरर बेस्ड में है। और ये यहाँ का बेस्ट पार्ट है ग्रीन एरिया, जो कि बहुत ही प्यारा लगता है मुझे ये पाथ, इट्स लाइक टोटली रिजॉर्ट लुक है। और ये इतना ज़्यादा बड़ा ग्रीन एरिया जो इन्होंने दिया हुआ है, ये इनका USP है। नॉर्मली सोसाइटीज़ में इतना बड़ा ग्रीन एरिया मिलना बड़ा मुश्किल होता है। When I see you, my heart starts racing, but I don't know if I like this chasing and playing. गाइस इस एरिया को देख के लगता है कि बहुत ही लेविश सेटिंग है, बहुत प्यारी वाटर बॉडी है, आपको लगता ही नहीं कि आप किसी अपार्टमेंट सोसाइटी में हैं, लाइक सेम फील कि आप किसी रिजॉर्ट या फाइव स्टार होटल में रुके हुए हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कितना प्यारा है पीछे व्यू, और यहाँ के बिल्कुल ऐसा फील आ रहा है कि हम किसी हिल स्टेशन में आ गए या किसी फाइव स्टार होटल में आ गए, और यहाँ से जाने का बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा। मुझे बहुत मज़े आ रहे हैं, मन कर रहा है यहीं पे 4-5 दिन के लिए बस जाऊँ। मौसी जी के पास अभी जुगाड़ करना पड़ेगा और फिर कहना पड़ेगा मौसी जी 1 हफ्ते का स्टे कर रही हूँ मैं यहाँ पे। गाइस वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, यहाँ पे वेंडिंग मशीन्स हैं फूड आइटम्स के लिए, जो कि बहुत ही कम देखने को मिलती हैं इंडिया में, मैंने अभी तक ज़्यादा देखी नहीं है। US में इट्स रियली कॉमन, बट यहाँ पे सब कुछ मिलता है, यहाँ पे सब्जियाँ हैं, पनीर आइटम ये भी आपको वेंडिंग मशीन में मिलती हैं, और बहुत अच्छा लगा मुझे ये सिस्टम देख के। तो अब हम चलते हैं बिल्डिंग की तरफ और देखते हैं कि यहाँ का लॉबी एरिया कैसा है और अंदर अपार्टमेंट कैसा है। तो आप देख सकते हैं गाइस लॉबी एरिया बहुत ही सुंदर बना हुआ है, यहाँ पे गार्ड्स हैं हर लॉबी में और बहुत ही प्यारी पेंटिंग्स वगैरह, इंटीरियर बहुत अच्छा किया हुआ है, सिटिंग भी दी हुई है नीचे, आप आराम से लॉबी एरिया में रेस्ट कर सकते हैं। इट्स लाइक अ क्लब फील हर लॉबी में इतना अच्छा सिटिंग देना। एंड देन अब हम जाके देखते हैं कि अपार्टमेंट्स, एक्चुअली मेरी मौसी जी ने 2 अपार्टमेंट्स यहाँ पे ले हुए हैं इस बिल्डिंग में, एंड बोथ आर 2 BHK, बट 1 2 BHK इज़ लाइक लिटिल बिगर देन अदर वन, तो विल सी फर्स्ट वन दैट इज़ बिगर देन दी अदर वन, एंड देखते हैं कि कैसा है अंदर से। एंड बहुत ही प्यारा डेकोरेट किया हुआ है मौसी जी ने, अच्छा। तो गाइस अब हम नेक्स्ट अपार्टमेंट की तरफ चलते हैं, ये भी 2 BHK है, बस लिटिल बिट स्मॉलर देन अदर वन, और थोड़ा सा अंदर का जो फ्लोर एरिया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, बट ये भी बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ से भी। और आप देख सकते हैं ये ड्राइंग रूम है, यहाँ का लिविंग रूम है, और ये सब डेकोरेशन की हुई है मौसी जी ने, ये तो आपको अपनी तरफ से करनी होती है। और ये है मेरे ब्रदर का बेडरूम, ये बेटर हो गया है कि 4 BHK लेने से बेटर है 2 BHK ले लो, उससे एक्स्ट्रा आपको लिविंग रूम और डाइनिंग एरिया मिल जाता है, 2 किचन मिलती हैं, एंड गेस्ट के लिए भी इजी हो जाता है। और यहाँ से बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ पे बालकनी से, आप देख सकते हैं पूरे खेत वेत नज़र आ रहे हैं, एंड बहुत ही सुंदर व्यू दिख रहा है, ये वाटर बॉडी भी यहाँ से नज़र आ रही है। मैंने जो आपको ये 2 फ्लैट दिखाए उसमें से 1 जो बड़ा वाला फ्लैट था वो आई थिंक 1.7 करोड़ से स्टार्टिंग है, और ये वाला फ्लैट की जो स्टार्टिंग प्राइस है 1.5 करोड़ है। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द रॉ फ्लैट आई थिंक, और ये जो एक्स्ट्रा आप जो एड ऑन्स करेंगे इंटीरियर के साथ, ये आपको और भी कॉस्टली पड़ेगा। बाकी डिटेल प्राइस आप किसी भी बिल्डर में, ये पूरी एमरल्ड के बिल्डर से डिस्कस करके आप पूछ सकते हैं कि क्या प्राइस पड़ रहा है अगर आपको इसमें इंटरेस्टेड है।
तो मैंने जस्ट आपको ओवरव्यू दिया है जहाँ पे मेरी मौसी जी रहती हैं, इस फ्लैट को आप देख सकते हैं, ये यहाँ अंदर अलमीरा वगैरह ये सब आपको खुद बनवानी होती है, आपको टोटली रॉ फ्लैट देते हैं। तो बहुत हुआ टूर, तो इस वीडियो को एंड करते हैं मस्ती के साथ। तो प्लीज़ गाइज इस वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।